गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लासिक्स ग्रामर लेसन सेकंड, वर्ण विचार। नीचे लिखी ध्वनियों को मिलाकर पढ़िए और उनसे निर्मित शब्दों को लिखिए। ये आपके सामने अलग अलग वर्ण दिए हुए हैं। इन वर्णों को जोड़ने से नए शब्द बने हैं। कौन से? सूरज, राजस्थान, अखबार, मौलिक। ये जो शब्द आपके सामने निर्मित हैं, तैयार हैं, वो शब्द किससे बने हैं? वर्णों से। ठीक है, पढ़ते समय हमारे मुख से भिन्न भिन्न ध्वनियों का उच्चारण होता है। इन स्वतंत्र ध्वनियों को ही क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। इनके खंड नहीं किया जा सकते। वर्णों को आप अलग नहीं कर सकते, अर्थात वर्णों के टुकड़े नहीं हो सकते। अब हम देखेंगे वर्ण की परिभाषा, डेफिनेशन। भाषा की सबसे छोटी व अखंड इकाई अथवा ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण। वर्ण के भेद, वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वरों और व्यंजनों को के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब हम देखेंगे वर्णमाला, जो इस प्रकार है। जिन वर्णों का मुख से उच्चारण स्वतंत्र एवं अबाध रूप से हो तथा जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उनको हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, ए, ऐ, ये सारे जो स्वर हैं, स्वर कितने होते हैं? 11। इनका उच्चारण जब आप करेंगे तो आपको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। अम क्या होगा? अनुस्वार। जैसे अंग, रंग, अनुनासिक कैसे लगेगी? चंद्रबिंदी, चांद, आंगन, अह, प्रायः, विशिष्टः, इस प्रकार ये लगेंगे। अब आगे देखेंगे हम व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, कौन से स्वर? जो 11 हमारे सामने हैं, उन स्वरों की सहायता लेकर ही व्यंजनों का उच्चारण होता है, उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन। जैसे क वर्ग में क, ख, घ, घ, अंग, च वर्ग है आपके सामने, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, ऊष्म व्यंजन, श, श, स, ह, संयुक्त व्यंजन, क्षत्रज्ञ, श्र, इस प्रकार ये सारे क्या हैं? व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। इसके अतिरिक्त हिंदी में कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जो अयातित मानी जाती हैं। ऐसी ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ कहते हैं, जिसके नीचे बिंदी लगाई जाती है। जैसे कायदा, कानून, खूबसूरत, गज़ल। गज़ल के नीचे बिंदी लगी है, इसलिए उसको हम गज़ल इस तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सारे शब्द आपको देखने हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम, बिल्कुल कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन सी? अ, ई, ऊ, री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे, तो उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरा, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 स्वरों से अधिक का समय लगे, उस स्वर को लुप्त स्वर कहते हैं। लुप्त स्वर का चिन्ह कैसा होता है? एस, एस आकार होता है इसका। लुप्त स्वरों का उपयोग मुख्य तौर पर संस्कृत भाषा में तथा हिंदी नाटकों की अभिनेता में किया जाता है।